आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे अमेजोन मोबाइल एक्सचेंज वर्सेस फ्लिपकार्ट मोबाइल एक्सचेंज। जैसे कि आपको पता है दोनों में एक्सचेंज का ऑप्शन अवेलेबल रहता है और कौन कितना ज़्यादा हमको पे कर रहा है जब हम अपना फ़ोन रिटर्न कर रहे हैं। वैसे तो इसके ऊपर काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट है कि आपके फ़ोन में स्क्रैच नहीं आना चाहिए, कुछ भी ऐसा बैंड वैंड नहीं होना चाहिए और एकदम फ़ोन आपका वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, तभी आप उसे एक्सचेंज करा सकते हैं। प्रॉपर एक डिलीवरी बॉय आता है, डिलीवरी बॉय नहीं चेक करने आता है कि आपका फ़ोन कैसा पूरा वर्किंग कर रहा है, चला के देखते हैं कि हाँ आपका फ़ोन बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में। लेकिन अगर आपके फ़ोन में थोड़ा सा भी स्क्रैच है तो उस फ़ोन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन एक हिसाब से बोला जाए तो इसमें डालने से अच्छा है अगर आपका फ़ोन में थोड़ा सा भी स्क्रैच है, OLX, क्विकर या फिर कैशिफाई में सेल कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन फिर भी आज के इस वीडियो में हम अमेजोन एक्सचेंज वर्सेस फ्लिपकार्ट एक्सचेंज को टेस्ट करने वाले, सेम फ़ोन को टेस्ट करेंगे कौन कितना रिटर्न दे। अमेजोन और फ्लिपकार्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ, उसका ऐप यूज़ नहीं करता, दोनों का ऐप थोड़ा हैंग मारता है। तो सबसे पहले अमेजोन में हम कोई सा फ़ोन जो दोनों वेबसाइट पर अवेलेबल हो, तो रेडमी नोट 7S अवेलेबल है, तो मैं 2 मिनट ओके 64GB वाला ले लेते, 4GB रैम 64GB, और सेम फ्लिपकार्ट में भी यही कर, ये शाओमी नोट 7S है इसका भी 64GB वाला ले लेते हैं। ये देखिए ये 12,000 रुपीज़ का। अब एक्सचेंज करते हैं, तो सबसे पहले एक्सचेंज करते हैं हम अमेजोन से, उसका देखते हैं क्या रेट देता है। तो देखते हैं कौन सा फ़ोन एक्सचेंज करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं विथ एक्सचेंज 8,200 ऑफ ओके पे आ गया ऑप्शन। तो मैं जल्दी से कोई सा फ़ोन सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं वन प्लस ही कर लेता हूँ, 1+6 ओके, ताकि याद रहे मैं भूल मत जाऊँ करके। तो 1+6 मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ जल्दी से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टोटल ऑफ आ रहा है वो आ रहा है 7,450 रुपीज़ ओके, सो इसे आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्लिपकार्ट की तरफ, इसमें कितना ऑफ दे रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए प्रोडक्ट एक्सचेंज का ऑप्शन है, जल्दी से पिन कोड डाल दे रहा हूँ ओके। सो पिन कोड डालते ही साथ यहाँ पे एक्सचेंज का ऑप्शन खुल जाना चाहिए ओके। सो कहाँ ये एक्सचेंज, ये रहा एक्सचेंज योर प्रोडक्ट, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो मैंने कौन सा 1+ सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे मैं 1+ जल्दी से लिख लेता हूँ, 1+ ओके। सो 6 ओके, फ़ोन सेम है, आप देख सकते हैं इसमें कितने का 9,000 का ऑफ है ओके। एक्सचेंज वैल्यू में इसमें आपको 9,000+100 पिकअप चार्ज, यानी 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, और इसमें 7,450 रुपीज़ का ऑफ आ रहा है, यानी ज़्यादा अच्छा फ्लिपकार्ट दे रहा है अपने को वैल्यू। 9,000 रुपीज़ काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। तो अगर आप एक्सचेंज कर रहे हैं, मान लो कुछ ऐसा केस है, तो आप फ्लिपकार्ट यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम थोड़े सस्ते प्रोडक्ट को करते हैं, यानी इसी के रेंज में। अब जैसे कि ये 12,000 रुपीज़ का, तो अब मैं इसी के साथ रेडमी कर लेता हूँ कि रेडमी नोट 4 एक्सचेंज करके देखता हूँ, पहले फ्लिपकार्ट में ही करते हैं ओके। सो अब सिलेक्ट करते हैं दूसरे फ़ोन को जो कि है रेडमी नोट 4। तो मैं नोट 4 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, वेट अ मिनट, शाओमी सबसे पहले, शाओमी। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कौन सा सिलेक्ट करूँ, नोट 4 कर लेता हूँ मैं, वेट अ मिनट, नोट 4 ओके, रेडमी नोट 4 सेम डिवाइस है जो यूज़ कर रहा हूँ ओके। सो इसमें आ रहा है -3,450 एंड 100 रुपीज़ पिकअप चार्ज, तो 3,000 इसमें ऑफ दे रहा है। अब देखते हैं इसमें कितना दे रहा है ओके, वन प्लस में, ये सॉरी अमेज़ॉन पे कितना दे रहा है। तो जल्दी से यहाँ पे मैं शाओमी सिलेक्ट कर लेता हूँ, शाओमी नोट 4 ये रहा ओके। सो इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसमें 3,450 रुपीज़ दे रहा है, और इसमें ले रहा है 3,450, यानी ऑलमोस्ट दोनों सेम ही ले रहा है। बाकी एक हिसाब से बोला जाए तो इसमें फ्लिपकार्ट ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि 100 रुपीज़ पिकअप चार्ज है, और ऐसा अमेजोन में कुछ मेंशन नहीं है कि कुछ और भी लेगा चार्ज। लेकिन वही है, इसमें अगर आप एक्सचेंज करोगे तो सिंपल आपको आपके फ़ोन में कुछ भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए, वैसे तो एक्सचेंज होगा नहीं क्योंकि हल्का सा ही डेंट हो चुका है। तो इससे आप एक्सचेंज कर रहे हो तो अभी दोनों में सेम ही दिखा रहा है, लेकिन 100 रुपीज़ पिकअप चार्ज ले रहा है, तो यही इसे मैं ऑलमोस्ट सेम ही मानूंगा। लेकिन कुछ आप ज़्यादा बड़े फ़ोन को एक्सचेंज कर रहे हो बजट फ़ोन से, तो आपको ज़्यादा ऑफ फ्लिपकार्ट दे रहा है एज़ कम्पेयर टू अमेजोन। तो ये था दोनों का एक्सचेंज, तो सबसे ज़्यादा सस्ता तो मेरे को फ्लिपकार्ट दिया। तो बस यार ये था वीडियो, एक छोटा सा वीडियो था, दोनों को कंपेयर करना था कि सबसे अच्छा वैल्यू कौन दे रहा है आपको आपके फ़ोन का। तो ये था वीडियो, अगर वीडियो को अच्छा लगा मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आशित गोपाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ। Thank you.